आज के वीडियो में तैयार करने वाले हैं एक बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाली नाश्ते की रेसिपी। चाहे सुबह का नाश्ता हो या शाम की चाय या हल्की फल्की भूख, जब भी बच्चों को भूख लगे तो आप झटपट 5 मिनट में ये नाश्ता तैयार कर सकते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकी ट्रिपी। तो अब हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे और उसमें हमने डाल लिया 1 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ टमाटर 1 कप और बारीक कटी हुई प्याज 1 कप, 1/2 कप लिए हैं फ्रोजन कॉर्न। अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप, और साथ ही मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस। आप इसकी जगह शेजवान सॉस या कोई और टोमेटो केचप या ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं। अब मैंने लिया 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और साथ ही लिए ऑर्गेनो या कोई भी मिक्स हर्ब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। नमक की क्वांटिटी कम ही रखी है क्योंकि सॉसेस में भी नमक है और मैं यहाँ पर चीज ले रही हूँ उसमें भी नमक होगा। तो यहाँ पर मैंने चीज क्यूब्स लिए हैं, प्रोसेस चीज। आप कोई भी चीज ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पर हम इस चीज को ग्रेट कर लेंगे। मैंने 4 से 5 चीज क्यूब्स को ग्रेट किया है। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब हम इन सभी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल इसमें पिज्जा वाला टेस्ट आता है और बहुत झटपट 5 से 10 मिनट में आपके टोस्ट बनके तैयार हो जाते हैं। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप एक बार जरूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए, ये सभी चीजें मिक्स कर ली है, कोई झंझट नहीं है। अब हम इसके लिए बनाने के लिए लेंगे ब्रेड पीस। तो यहाँ पर मैंने व्हाइट ब्रेड लिया है, आप आटा ब्रेड भी ले सकते हैं। कोई भी ब्रेड आप जो भी यूज़ करते हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम लेंगे बटर, पहले ही रूम टेम्परेचर पर था। तो अब हम ब्रेड के पीस पर सबसे पहले बटर लगा लेंगे, इससे इसका टेस्ट और भी डबल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए ना तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद अब हम लगाएंगे बटर के बाद ये टॉपिंग जो हमने अभी तैयार की थी। तो अच्छे से हम पूरे ब्रेड पर इस टॉपिंग को फैला लेंगे। ये इतने टेस्टी लगते हैं कि बच्चे कभी भी इसे खाना पसंद करते हैं। किसी भी समय आप बच्चों को बना कर दें, झटपट तैयार हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बच्चे बड़े सभी बहुत अच्छे से खाते हैं। तो इसी तरह से मैंने सभी पीसेस पर अच्छे से टॉपिंग लगा ली है और अब पैन को भी मैंने गरम कर लिया है क्योंकि हम तवे पर ही ये बनाएंगे, बेक नहीं करेंगे। तो तवे को लो हीट पर गरम किया है और हल्का सा उस पर लगाया है बटर। अब ये पीस हम तवे पर रख देंगे, लो हीट रखेंगे जब हम ये स्लाइस रख रहे हैं और इसे ढक देंगे। करीब 3 से 4 मिनट में ही बहुत अच्छे से चीज मेल्ट हो जाएगी और ब्रेड हमारी सिक जाएगी। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, केवल 3 से 4 मिनट में हमारे टोस्ट बनके तैयार हो जाते हैं बहुत ही झटपट। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर करें। तो देखिए, चीज मेल्ट हो गई है। तो अब हम टोस्ट भी चेक कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको क्लोज से दिखा देती हूँ। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में भी, कलरफुल, हेल्दी भी है। आप इसमें बस व्हाइट ब्रेड की जगह आटा ब्रेड यूज करें तो और भी हेल्दी हो जाते हैं। तो हमारा जो स्नैक्स है, आज का नाश्ता है, बनके तैयार हो गया है बहुत ही झटपट। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, और बहुत ही चीजी टोस्ट है। सुबह के नाश्ते में बिल्कुल एक हटकर अलग तरीके की रेसिपी जो बहुत ही झटपट बनती है। बच्चों का तो देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, इतने टेस्टी टोस्ट हैं। तो देखिए, हमारा जो आज का नाश्ता है वो बनकर तैयार हो गया है। केवल 5 मिनट में झटपट से बनने वाला ये चीजी सा नाश्ता जो बहुत ही टेस्टी है, बहुत झटपट बनने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें।
फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आप ये चीजी सी टोस्ट की रेसिपी तैयार कर सकते हैं जिसे सुबह की भूख हो या फिर शाम का नाश्ता, कभी भी आप इसे झटपट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए तैयार कीजिए और मुझे लिखकर बताइए। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की एक नई रेसिपी के साथ।